Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter 2nd. ये standard 4th की book का chapter number 2nd है, Intelligence is Power. Intelligence का मतलब होता है बुद्धिमता, is means है और power means ताकत, कि हमारी असली ताकत क्या होती है, हमारी बुद्धि होती है. लुक एट दीज पिक्चर, इन तस्वीरों को देखिए एंड राइट देयर नेम, और आप उनके नेम रिटर्न कीजिए. ये क्या है? स्नेक, नेस्ट, रिंग, जैकेट. टू क्रोज लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, दो कौवे एक जंगल में रहते थे. लिव्ड मीन्स रहते थे. They were husband and wife. वे क्या थे? पति और पत्नी थे. They made their nest in a big tree. उन्होंने अपना घोंसला कहाँ बना रखा था? एक बड़े से पेड़ पर बना रखा था. They lived happily. Happily means होता है खुशी से. वे खुशी से रहते थे. After some time, कुछ समय के बाद, the wife laid some egg. वाइफ ने क्या दिए? कुछ अंडे दिए. वन डे, एक दिन, सी वह एंड हर हस्बैंड, वह और उसका पति, वेंट आउट टू गेट फूड. वो बाहर चले जाते हैं क्या लाने के लिए? खाना लाने के लिए वो बाहर चले जाते हैं. When they return, जब वो वापिस लौटे, return means होता है वापिस लौटना. जब वो वापिस लौटे, there were no eggs, वहाँ पर कोई अंडे नहीं थे. In the nest, घोंसले में. There was a snake living at the foot of the tree, वहाँ पर एक सांप रहता था पेड़ की जड़ में. Foot means क्या होते हैं? पैर. और जो ट्री होता है उसके पैर क्या होते हैं? उसकी जड़ होती है. तो सांप कहाँ रहता था? पेड़ की जड़ में रहता था. ही लिव्ड देयर इन अ होल, वो कहाँ रहता था? वहाँ पे एक होल में, बिल में रहता था. व्हेन द हस्बैंड एंड द वाइफ वर अवे, जब पति और पत्नी चले जाते. वर अवे मीन्स वो चले गए थे. ही क्लाइम्ड अप, वो पेड़ पर चढ़ गया. द ट्री, पेड़ पर. एंड एट द एग्स, और सारे अंडे खा गया. सॉरी. द हस्बैंड एंड वाइफ वर वेरी सैड, पति और पत्नी बहुत दुखी थे. कि यहाँ आपने क्या पढ़ा है अब तक? कि एक कौवा और एक कौए की जो पत्नी थी वो पेड़ पर रहते थे, उन्होंने अंडे दिए. लेकिन वहाँ सांप एक रहता था जो पेड़ पे, वो क्या हो गया? उनके जाने के बाद उन अंडों को वो खा गया. तो इस वजह से पति पत्नी क्या थे? बहुत दुखी थे. आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, द वाइफ लेड सम मोर एग्स, पत्नी ने कुछ और अंडे दिए. अगेन द सेम थिंग हैपन्ड, अगली बार भी ऐसा ही कुछ घटित हुआ. हैपन्ड मीन्स घटित होना. कैसा? कि सांप आया और फिर से अंडे खा गया. द स्नेक क्लाइम्ड अप टू द नेस्ट, सांप पेड़ पर चढ़ा घोंसलों के पास. एंड एट द एग्स अगेन, और अंडों को दोबारा खा गया. द टू क्रोज वर वेरी अनहैप्पी, दोनों कौवे क्या थे? बहुत नाखुश थे. दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू, वे नहीं जानते थे कि क्या करें. जस्ट देन देयर फ्रेंड द जैकल केम देयर, तभी उनका जो दोस्त था जैकल, वो वहाँ पे आता है. वट इज रॉन्ग, क्या गलत हुआ? ही आस, उसने पूछा. वो आते ही पूछता है कि क्या हो गया. वाई आर यू बोथ सो अनहैप्पी, तुम दोनों इतने नाखुश क्यों हो? देन द टू क्रोज टोल्ड हिम द सैड स्टोरी, अब दोनों कौवों ने क्या किया? अपनी जो दुख भरी कहानी थी वो जैकल को सुना दी. द विक्ड स्नेक हैज स्टोलन आर एग्स, विक्ड मैंने क्या होता है? दुष्ट, कि जो दुष्ट सांप है उसने हमारे अंडे चुरा लिए. ही हैज स्टोलन देम ट्वाइस, उसने दो बार उनको चुरा लिया है. वट सेल वी डू, हम क्या करेंगे? लिसन टू मी, मुझे सुनो. सेड द जैकल, जैकल ने कहा कि मेरी बात सुनो. आई विल टेल
व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। डू यू सी दैट बिग हाउस ओवर देयर, तुम्हें वहाँ एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है, तुम उस घर को देख सकते हो। यस, हाँ, सेड द टू क्रो, दोनों कौओं ने कहा हाँ। का, और उन्होंने अपनी जो आवाज़ थी का की उसमें निकाल कर बता दिया कि हाँ, हम उस घर को जानते हैं। आ रिच लेडी लिव्स देयर, वहाँ पर क्या रहती है, एक अमीर औरत रहती है। स्टील वन ऑफ हर रिंग, उसकी एक अंगूठी चुरा लो। व्हाट, क्या, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, इट मीन्स उनको एकदम से बहुत तेज हैरानी होती है। क्या, सेड द टू क्रो, दोनों कौओं ने एक साथ कहा। बट हाउ कैन वी डू दैट, परंतु हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। एवरी मॉर्निंग द रिच लेडी गोज टू हर बाथ, हर रोज वो औरत क्या करने जाती है, नहाने जाती है। देन सी टेक्स ऑफ हर रिंग्स, टेक्स ऑफ होता है उतार देना, तो उस टाइम में क्या करती है, वो अपनी अंगूठियों को उतार देती है। सी पुट्स देम ऑन अ टेबल, वो उनको एक मेज पर रखती है। इन द बाथरूम, बाथरूम में। फ्लाई इन एट द बाथरूम विंडो, तुम उड़कर कहाँ जाना, बाथरूम की विंडो के पास जाना। कॉल आउट का, और वहाँ जाकर जोर से बोलना का। देन पिक अप वन ऑफ हर रिंग्स एंड फ्लाई विद इट टू द ट्री, और फिर तुम उसकी एक अंगूठी उठा लेना, और वहाँ से क्या करना, पेड़ के पास उड़कर चले जाना। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर उसने बिना बोले रिंग उठाई तो उस औरत को पता नहीं लगेगा कि रिंग किसने उठाई है, तो तुम अंगूठी उठाने से पहले आवाज़ लगाना। द रिच लेडी सर्वेंट विल रन आफ्टर यू, उस अमीर औरत के नौकर तुम्हारे पीछे भागेंगे। ड्रॉप द रिंग इन टू द स्नेक होल, तुम अंगूठी को सांप के बिल में गिरा देना। देन एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, और उसके बाद सब कुछ क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। देन द हस्बैंड क्रो फ्लू टू द रिच लेडीज बाथरूम, अब जो हस्बैंड कौवा था वो उड़कर जाता है कहाँ पे, जो अमीर औरत थी उसकी विंडो के पास उड़ता हुआ वो जाता है। ही पिक्ड अप अ रिंग, उसने एक अंगूठी को उठाया। एंड कॉल्ड आउट, और फिर उसने जैसे जैकल ने उसे सिखाया था सेम तरीके से वो क्या करता है, का, ताकि वो औरत उसे देख ले। द लेडी सा द क्रो फ्लाइंग अवे विद हर रिंग, अब उस औरत ने क्या किया, उस कौवे को अपनी अंगूठी ले जाकर उड़ते हुए देख लिया। सी कॉल्ड आउट टू हर सर्वेंट, उसने अपने नौकरों को बुलाया। क्विक क्विक, जल्दी करो जल्दी करो, अ क्रो हैज टेकन वन ऑफ माई रिंग्स, एक कौवा मेरी अंगूठी ले गया। द सर्वेंट्स केम रनिंग अप, अब जो नौकर थे वो दौड़ते हुए आए। दे सा द क्रो फ्लाइंग अवे विद द रिंग इन हिज बीक, उन्होंने क्या देखा कि जो कौवा है वो अपनी चोंच में, बीक मीन क्या होता है, चोंच, अपनी चोंच में अंगूठी को दबाकर उड़ रहा था। दे सा हिम ड्रॉप द रिंग इन टू द स्नेक होल, उन्होंने क्या देखा कि जो सांप का बिल था उसके अंदर उसने अंगूठी को गिरा दिया। द स्नेक हियर्ड द नॉइस, अब सांप को आवाज़ सुनाई देती है। एंड केम आउट, और वो अपने बिल से बाहर आ जाता है। द मैन किल्ड इट एट वंस, यहाँ मैन दिया है प्लूरल, इट मीन्स एक से ज़्यादा नौकर थे, उन्होंने क्या किया उसे, उस सांप को एक बार में ही मार दिया। दे फाउंड द रिंग इन द होल, उन्हें बिल के अंदर क्या मिल गई, अंगूठी मिल गई। दे टुक इट बैक टू द लेडी, और वो इसे कहाँ ले आए, उस लेडी के पास वापिस ले आई। द क्रोज वर फुल ऑफ जॉय, जो कौवे थे वो क्या थे, अब बहुत खुश थे। द स्नेक वॉज डेड, सांप मर चुका था। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, देयर एग्स वर सेफ, उनके अंडे सुरक्षित थे। एंड द बर्ड्स लिव्ड हैप्पीली, और पक्षी खुशी से रहते थे विद देयर यंग वंस, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। द वाइज जैकल हैड सेव्ड देम, और जो बुद्धिमान जैकल था उसने उन्हें क्या कर लिया, बचा लिया। तो इट मीन्स हमारा जो ये चैप्टर है वो हमें क्या शिक्षा देता है, क्या मोरल देता है, यही कि जो हमारी बुद्धि होती है उसके अंदर क्या होती है, बहुत ताकत होती है।
नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में सबसे पहले हम देखते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन। वेयर वॉज द टू क्रो लिव, कि दोनों कौवे कहाँ रहते थे? इन अ ट्री, पेड़ पर रहते थे। दे वर ब्लैंक एंड ब्लैंक, वो क्या थे? सिस्टर ब्रदर थे, फादर एंड डॉटर थे, हस्बैंड एंड वाइफ थे, और नन ऑफ दीज, वो दोनों क्या थे? हस्बैंड एंड वाइफ थे। द वाइफ लेड सम, उस औरत ने क्या दिए? फ्रूट दिए, एग दिए, बॉल्स दिए, या ऑल ऑफ दीज? उस वाइफ ने दिए एग्स। हु सेव द क्रो एग, उन कौओं को किसने बचाया? रिच लेडी ने। द ओल्ड लेडी कॉल्ड आउट टू हर, ओल्ड लेडी ने किसको बुलाया? अपने सर्वेंट को। नेक्स्ट आता है आपका मेक सेंटेंस, और मेक सेंटेंस में सबसे पहले दे रखा है आपको क्रो, तो आपको क्रो को इस तरीके से सेंटेंस में कन्वर्ट करना है कि उसमें क्या नाम आए आपका क्रो। इट इज अ क्रो, यह एक कौवा है, या द क्रो लिव्स ऑन अ ट्री, कौवा पेड़ पर रहता है। नेक्स्ट है सर्वेंट, ही कॉल्ड आउट हिज सर्वेंट्स, वो अपने नौकरों को बुलाती बुलाया उसने अपने नौकरों को। राइट, लुक एट द राइट साइड, सीधी तरफ देखो। नेक्स्ट है हस्बैंड, ही इज हिज हस्बैंड, वह उसका पति है। रिंग, आई हैव अ गोल्ड रिंग, मेरे पास एक सोने की अंगूठी है। नेक्स्ट आता है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड टिक और रोंग, आपको राइट और रोंग लगाने हैं यहाँ पर। द टू क्रोज वर हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों पति और पत्नी कौवे थे। राइट, अ स्नेक ऑल्सो लिव्ड इन द सेम ट्री, उस पेड़ पर एक सांप भी रहता था। ट्रू, द क्रो पुट द रिंग इन टू द स्नेक होल, कौवे ने उस अंगूठी को सांप के बिल में डाल दिया। ट्रू, अ पुअर लेडी लिव्ड इन अ बिग हाउस, एक अमीर औरत बड़े से घर में रहती थी। राइट, द रिच लेडी किल्ड द स्नेक, रॉन्ग, सर्वेंट ने मारा था। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, स्टील वन ऑफ हर रिंग द जैकल एडवाइज, गिदड़ ने क्या सलाह दी थी? उसकी एक अंगूठी चुरा लेना। द स्नेक हियर द नॉइस एंड केम आउट, सांप ने आवाज को सुना और बाहर आ गया। द लेडी सा द क्रो फ्लाइंग अवे विद हर रिंग, देयर वॉज अ स्नेक लिविंग एट द फुट ऑफ द ट्री, दे मेड देयर नेस्ट इन अ बिग ट्री। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड गिव आंसर, वट डिड द क्रो डू विद द रिंग, कौवे ने रिंग के साथ क्या किया? द क्रो ड्रॉप्ड द रिंग इन टू द स्नेक्स होल, सांप के बिल के अंदर उसने कौवे ने क्या कर दिया? उस रिंग को गिरा दिया। सेकेंड है वाई वर द क्रोज वेरी सैड, कौवे दोनों उदास क्यों थे? तो आपका आंसर आएगा यहाँ से द क्रोज वर वेरी सैड, द क्रोज वर वेरी सैड बिकॉज अ स्नेक हैड ईटन क्रोज एग, कि एक सांप था वो उनके अंडों को खा जाता था, इसलिए वो दुखी थे। नेक्स्ट है व्हाट डिड द जैकल एडवाइज देम टू डू, जैकल ने उन्हें क्या सलाह दी? यहाँ से आंसर आएगा आपका द जैकल एडवाइज, यहाँ आपका एडवाइज दिया हुआ था उसके साथ डी और लग जाएगा, एडवाइज्ड बन जाएगा। देम टू ड्रॉप रिच लेडीज रिंग इन टू स्नेक होल,
जैकल ने उनको सलाह दी थी कि एक अमीर औरत की रिंग लाना और सांप के बिल में डाल देना। नेक्स्ट है, हु किल्ड द स्नेक, सांप को किसने मारा? रिच लेडीज सर्वेंट, रिच लेडी सर्वेंट, जो अमीर औरत के नौकर थे उन्होंने सांप को मारा। हु की जगह केवल यह आंसर आएगा और उसके बाद आपका क्वेश्चन में से ही आंसर आएगा, रिच लेडी सर्वेंट किल्ड द स्नेक। नेक्स्ट है, हुम डिड टू क्रोज टेल देयर सैड स्टोरी, कौवे ने अपनी स्टोरी किसे सुनाई? द टू क्रोज, यहाँ टेल नहीं आएगा, जब आप आंसर रिटर्न करोगे तो यहाँ टोल्ड आएगा क्योंकि यहाँ पे डिड दिया हुआ है और डिड होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म एक साथ दो नहीं आती हैं, तो यहाँ आएगा द टू क्रो टोल्ड देयर सैड स्टोरी टू आ जैकल हु वॉज देयर फ्रेंड, कि जो जैकल उनका दोस्त था उसको उन्होंने क्या करा, उस कहानी को सुनाया। नेक्स्ट आता है आपका लिसनिंग स्किल में, राइट ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू फॉल्स लिखने हैं। द क्रो इज एन इंटेलिजेंट बर्ड, क्या कौवा एक इंटेलिजेंट बर्ड होता है? फॉल्स। द कुकू लेज इट्स एग इन क्रोज नेस्ट, क्या कोयल सांप क्रो के घोंसले में अंडे देती है? ट्रू, कौवे के घोंसले में ही हमेशा कोयल अंडे देती है, खुद का घोंसला नहीं बनाती कोयल। द लोयन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का राजा शेर होता है? ट्रू। जैकल इज वेरी पावरफुल एनिमल, फॉल्स, वो पावरफुल नहीं होता बट इंटेलिजेंट होता है। द स्नेक लिव्स इन अ डेन, क्या सांप कभी भी गुफा में रहते हैं? फॉल्स। द एलिफेंट इज अ पॉइजनस एनिमल, क्या जहरीला जानवर होता है? फॉल्स। इसके बाद आता है आपका फन विद ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पजेसिव प्रोनाउन। आप लोगों को पजेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव करवा रखे हैं मैंने। यहाँ पे है वन हैज बीन डन फॉर यू, दीज स्टैम्प्स आर माइन, प्लीज पास माई बुक, दीज मार्बल्स आर देयर्स, सी हैज लॉस्ट हर शार्पनर एंड सी वॉन्ट्स टू बोरो माइन, उसने अपना शार्पनर गुम कर दिया और अब मेरा चाहती है वो। दीज बुक्स आर हर्स, ये किताबें उसकी हैं। द बर्ड्स आर लुकिंग फॉर देयर्स नेस्ट। इसके बाद आता है आपका टॉक टू योर फैमिली मेंबर एंड फाइंड कट व्हाट दे एंजॉय डूइंग द मोस्ट ऑन संडे, संडे को किसको क्या क्या करना अच्छा लगता है? माई फादर एंजॉय टू स्लीप ऑन संडे, मेरे पिताजी को सोना पसंद है। माई मदर लाइक्स टू कुक, मेरी माँ को खाना बनाना पसंद है ऑन संडे। माई ब्रदर सिस्टर एंजॉय टू प्ले, मेरे भाई बहन को क्या करना पसंद है? खेलना पसंद है। ग्रैंडपा एंजॉय टू वॉक, ग्रैंडपा को वॉक पर जाना अच्छा लगता है संडे को। ग्रैंडमा लाइक्स टू टॉक स्टोरीज, दादी माँ हमें कहानियाँ सुनाना पसंद करती है। आई एंजॉय टू प्ले, और मुझे क्या पसंद है? खेलना। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या होती है? प्री मीन्स पहले, पोजिशन मीन्स स्थान, जो नाउन और प्रोनाउन से पहले अपनी पोजिशन लेकर हमारा नाउन और प्रोनाउन का किसी भी चीज़ के साथ क्या रिलेशन होता है उसके बारे में जो मैं बताए वो होता है प्रीपोजिशन। मोहित इज वॉकिंग ब्लैंक द ग्रास, तो ग्रास के ओन आएगा, मोहित इज वॉकिंग ऑन द ग्रास, मोहित घास पर चल रहा है। द एगल ईगल इज फ्लाइंग, ईगल कहाँ उड़ रहा है? ओवर द ट्री। ऑन मीन्स ऊपर होता है जब हम किसी चीज को टच करते हैं, और ओवर का मतलब होता है हमारे जैसे सर के ऊपर से, ना तो आसमान में है और ना हमारे सर पे है, बिल्कुल जो बीच में चीज चलती है उसके लिए हम यूज करते हैं ओवर। इसके बाद नेक्स्ट आता है द बेंगल्स आर इन द बॉक्स, चूड़िया कहाँ है? बॉक्स में है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होते हैं जिनको हिंदी में बोलते हैं हम? विशेषण, जो विशेषताएं बताते हैं। आइसक्रीम इज, आइसक्रीम कैसी है? कोल्ड, ठंडी है। द रोज फ्लावर इज ब्यूटीफुल, रोज का जो फ्लावर है वो क्या है? सुंदर है, ब्यूटीफुल है वो, आप यहाँ पे रेड भी लिख सकते हो।
द बॉय इज नॉटी, लड़का शरारती है। द गर्ल इज ब्यूटीफुल, लड़की सुंदर है। आप यहाँ पे टॉल भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे शॉर्ट भी रिटर्न कर सकते हो। माई टीचर इज इंटेलिजेंट। इसके बाद आता है स्प्लाई द मिसिंग लेटर। यहाँ पे आपको कुछ लेटर दिए गए हैं, जो क्या है उनमें से कुछ वर्ड मिसिंग हैं। जैसे यहाँ पे टी ओ जी टुगेदर की स्पेलिंग लिखनी है, यहाँ पे आपको दे रखी है, तो क्या कम है ई टी एच ई आर। नेक्स्ट क्या है सेकंड आपका पोल्यूशन, पी ओ एल यू टी आई ओ एन पोल्यूशन। नेक्स्ट है सी ओ एल ओ एन वाई कॉलोनी, सी ई एल ई बी आर ए टी ई सेलिब्रेट। इसके बाद आता है एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर, और इसके बाद आपका क्या बच गया है सी एल ई ए एन क्लीन। नेक्स्ट है एक्टिविटी, पुट अ सर्कल अराउंड द ओड वन। ओड वन क्या होता है, जो हमारे ग्रुप से बिल्कुल अलग होता है। क्रो, कुकू, स्पैरो, जैकल, ये तीनों बर्ड हैं और ये एनिमल है, तो ये क्या है ओड वन है। लोयन, टाइगर, पैरेट और फॉक्स, लोयन, टाइगर और फॉक्स एनिमल है और ये पैरेट क्या है बर्ड है। काव, डॉग, वॉल्फ, कैट, काव, डॉग और कैट तो हमारे पेट एनिमल होते हैं और वॉल्फ कैसा होता है वाइल्ड एनिमल। ट्रक, कार, स्कूटर और बस, ये सारे फोर व्हील्स होते हैं और स्कूटर टू व्हील्स होता है। टी, कॉफ़ी, केक और मिल्क, ये क्या है बेवरेज है और ये ईटिंग के लिए है केक। इसके बाद जो एक्टिविटी है, मेक अ पिक्चर ऑफ अ बर्ड, एक बर्ड की आपको पिक्चर बनानी है और इसे अपने क्लासरूम में लगाना है। ये है आपका चैप्टर नंबर सेकेंड। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।